अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट्स के बारे में कि अभी तक की क्या अपडेट्स है। सबसे पहला बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए कि बीएड प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड 6,22,000 आवेदन। तो दोस्तों, अब आप लोग को एक चीज समझ जानी चाहिए कि अब आने वाला समय बीएड का आने वाला है। अब बीटीसी करने का कोई सोचेगा भी नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि बीएड को अब ऑफिशियल तौर पर सहायक अध्यापक भर्ती में जगह मिल चुकी है। ठीक है, देखिए बीएड करने से आपको फायदा क्या होता है, टीजीटी पीजीटी और कई ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन अब बीटीसी करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक सहायक अध्यापक भर्ती का ही ऑप्शन था, तो जो अब बीएड के बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब आने वाला जो समय है दोस्तों, वो आपका बीएड का ही होने वाला है। तो अब आप लोग भी कभी भी आपके घर में भी कोई हो तो उनको बीएड के लिए रिकमेंड करें। अब बीटीसी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब बीएड और बीटीसी समान हो चुका है तो आप लोग बीएड करना ही बेटर रहेगा। अगर ऐसा होता दोस्तों, सिर्फ बीटीसी वालों के लिए ही शिक्षक भर्ती होती तो चलिए बीएड करने से कोई नुकसान भी होता, लेकिन अब आने वाले समय में बीएड का बहुत क्रेज बढ़ेगा दोस्तों और बीटीसी का क्रेज घटने वाला है। आप लोग ये समझ लीजिए कि कल शनिवार शाम तक 5,82,000 छात्रों ने जमा की फीस। दोस्तों, लगभग 6,00,000 बच्चों ने फीस को जमा कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीटीसी का क्रेज कितना डाउन होने वाला है। देखिए, अभी बीटीसी का फॉर्म तो आने वाला है डीएलएड के नाम से बहुत ही जल्द, लेकिन ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आने वाले समय में आपके घर में भी कोई होगा तो आप लोग भी ये सोचिएगा कि बीटीसी या बीएड में क्या चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए बीएड में ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे और बीटीसी में ऑप्शंस की कमी होगी, तो आप लोग भी सोचिएगा। तो चलिए, आपके भी क्या अपडेट है कि दोस्तों, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग अभी होली का आनंद लें। देखिए दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि अभी आप लोग होली का आनंद लें, क्योंकि कट ऑफ पर फैसला अभी आने में समय लगेगा। मतलब क्या दोस्तों, जो कट ऑफ का फैसला आएगा वो अगले हफ्ते ही आएगा। अभी मतलब ये दोस्तों, जो कल से हफ्ता शुरू होगा, उस हफ्ते कल पूरे हफ्ते में वीक में आपका कोई फैसला नहीं आएगा कट ऑफ को लेकर, या ऑर्डर अभी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ऑर्डर की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कि हाँ क्या बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, हम बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि होली का टाइम है और अपनी होली अच्छी से सेलिब्रेट करिए। जो फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे। तो इस समय ये बड़ी बात है कि बीएड की जो भर्ती निकली है, जो बीएड का एडमिशन हो रहा है, भर्ती का एडमिशन हो रहा है, उसमें अच्छा खासा रिकॉर्ड 6,00,000 से ज़्यादा बच्चे आवेदन कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिएगा, जो बीटीसी या डीएलएड के नाम से आएगा उसमें लोग अब करने से उनको एक तो लॉस होगा, पैसे काफ़ी लगते हैं, और बीटीसी करके भी उनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जब बीएड भी बराबर हो चुका है बीटीसी के, तो बीएड करना ही बेटर हो, और बीएड से आप हायर क्लासेस पढ़ा सकते हैं, बीटीसी से मैं आपसे प्राइमरी में पढ़ा पाएंगे। तो सोचिएगा दोस्तों, लेकिन आपकी जो कट ऑफ की बात रही दोस्तों, अभी देखिए वो एक हफ्ता तो फिलहाल लगना ही लगना है। इस हफ्ते में कुछ भी न्यूज नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि कोर्ट बंद है पूरी तरीके से, तो आप लोग को एक हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, सरकार आपका फेवर करती है, पक्ष लेती है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और फिलहाल जैसे ही कोई अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। तो बीएड वालों के लिए, जो बीएड कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए खुशखबरी होगी दोस्तों आने वाले समय में कि अब बीएड करके वो आसानी से सहायक अध्यापक बन सकेंगे। और जिन बच्चों ने डीएलएड अभी तक कर लिया है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में अब डीएलएड करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। कोई आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तो उनको रिकमेंड करिएगा अब डीएलएड ना ही करें तो सही है। डीएलएड और बीएड में कुछ चुनना हो तो बीएड बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि सरकार ने उसको मान्यता दे दी है ऑफिशियल तौर पर कि अब बीएड के बच्चे सहायक अध्यापक बन सकेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही कोई और अपडेट्स आएगी आपके 60-65 को लेके, कट ऑफ को लेके, तो हम आपको देंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सोशल मीडिया से बच के रहिए, बस यही कहना चाहते हैं। अगर आप लोग की अच्छी पकड़ नहीं है सोशल मीडिया पर, अगर आप नए हैं, आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता सोशल मीडिया साइट्स, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ी सी सावधानी दोस्तों बरतनी चाहिए इस समय कि आप लोग एक अध्यापक बनने जा रहे हैं और आप लोग पर नज़र भी रखी जाती है दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचिए, सोशल मीडिया पर बचिए, और कहीं भी बोलना हो बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ ओपनली मत बोलिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, थोड़ा सा संयम रखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और अपडेट्स के साथ।
जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और कटाप पर जैसे कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे।